नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे नंबर वन न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बता दें कि आज देश दुनिया से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो कि भारतीय सरकार के द्वारा लॉकडाउन को लेकर और जो है भारतीय रेलवे ट्रेन को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी खबरें सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, एक एक खबर हम आपको विस्तार तरीके से आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम उन खबर के बारे में जान लेते हैं जो की आज सबसे सुबह के लेकर ताजी खबरें आई है। तो चलिए दोस्तों आज हम बताते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाकर हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, जिससे आप हमारे चैनल की आने वाली कोई भी ताजा खबर और न्यूज अपडेट मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं कि देश दुनिया से जुड़ी और लॉकडाउन और जो है रेलवे ट्रेन को लेकर क्या क्या खबरें आई हैं। दोस्तों बता दें कि कोरोना वायरस के संकट को लेकर कल भारतीय सरकार ने बैठक में जो है 14 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश किया है, जो कि 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। दोस्तों बता दें कि लॉकडाउन को लेकर कुछ ऐसे राज्यों में लॉकडाउन जो है बहुत ही आगे तरीके से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कि कोरोना वायरस के संकट को लेकर और पीएम मोदी के आदेशानुसार जहां पर उन्होंने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस के संकट को लेकर वहीं पर जो है पंजाब के सीएम जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के सलाह अनुसार और जो है उनके आदेशानुसार जो है 1 मई तक पंजाब में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। दोस्तों बता दें कि सबसे बड़ी खबर अभी भारतीय रेलवे ट्रेन को लेकर आई है, जहां पर भारतीय रेलवे के मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने जो कि सभी ट्रेनों और स्टेशनों को साफ सफाई करके जो है 15 अप्रैल से जो है ट्रेनें चलाने का यहां पर फैसला लिया है। दोस्तों बता दें कि सभी भारतीय रेलवे ट्रेनों को और जो है स्टेशनों को सैनिटाइजर से छिड़कवा के और जो है अच्छी तरीके से सफाई करवा के वहां पर 15 अप्रैल से ट्रेनें चलवाने का जो है फैसला किया है। दोस्तों अभी तक बता दें कि इसकी जो है भारतीय सरकार की तरफ से अभी तक कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है जिससे जो है ट्रेनें चलाई जा सकें, लेकिन जो है भारतीय रेलवे जो है सभी जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल तैयार कर लिए हैं। वहीं पर भारतीय सरकार की दोस्तों अभी जो है अनुमति चाहिए ट्रेन को चलाने के लिए, तो वहीं पर अभी भारतीय सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि भारतीय रेलवे ट्रेन चलाई जाए, और भारतीय रेलवे और भारतीय सरकार ने दोस्तों अभी तक कोई हरी झंडी नहीं दिखाई है, और वहीं पर सारी की सारी तैयारी जो है भारतीय रेलवे ने कर ली है ट्रेन चलाने की। बस दोस्तों देरी यही है कि भारतीय सरकार जो है हरी झंडी दिखा दे। दोस्तों बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पर जो है भारतीय सरकार ने 30 अप्रैल तक जो है इंडिया में लॉकडाउन बढ़ाने का जो है फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आज जो है 8,356 संक्रमित लोग हो चुके हैं। दोस्तों बता दें इसी को लेकर भारतीय सरकार ने जो है इंडिया में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कर दिया है, और जो है 14 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कि सभी राज्यों में लगभग जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यहाँ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही थी जो कि सोचा बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से जानकारी कुछ मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की आने वाली कोई भी ताज़ा खबर और न्यूज़ अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो थैंक्स माय यूट्यूब फैमिली।